हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को पेपर से मंगल कलश बना के दिखाऊंगी। और ये मंगल कलश दीपावली के दिन आप अपने मेन गेट पर या फिर आप पूजा के घर के दरवाजे पर आप इसको लगा सकते हैं। और इसको लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी डबल साइड वाली जो टेप आती है, जिससे हम बलून वगैरह को दीवार में चिपकाते हैं, वो टेप की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से पहले मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ, कलश बना रही हूँ यहाँ पर एक प्लेन पेपर पर। तो इस तरह से पेज की कटिंग कर ली है मैंने। अब मैं ये कार्ड ले लूँगी और ये कार्ड आपको शर्ट के डब्बे में या फिर साड़ी के अंदर में या फिर किसी भी तरह का, इस तरह का नया कपड़ा जब आप लेते हैं तो ये कार्ड इस तरह का मिल जाता है। ये हार्ड होता है और बहुत ही अच्छा होता है, तो इसको मैंने संभाल के रखा था इसी के लिए। तो यहाँ पे मैं इस पेज को रख के जो मैंने पहले से कटिंग कर ली है और एक निशान लगा लूँगी इस तरह से। ऐसे क्या होगा कि हमें काटने में आसानी हो गई, क्योंकि ये कार्ड जो होता है थोड़ा सा ये हार्ड होता है, तो इसको हम मोड़ के तो काट नहीं सकते, इसलिए पहले इस तरह से निशान बना के एक सैंपल बनाना ही सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने कलर्स को थोड़ा सा लंबा कर लिया है, क्योंकि ये लंबा है, अच्छा खासा लंबा है ये कार्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे बना लिया है। और यहाँ पे बस मैं ऐसे ही लगा के दिखा रही हूँ कि ये जो है बीच में हमारा नारियल है और ये साइड में आम के पत्ते जो होते हैं वो है। तो बस अब मैं इसकी भी अच्छे से कटिंग कर लूँगी और इस तरह का मैं दो बनाऊँगी, क्योंकि गेट पे अगर लगाना है इसको तो ऐसा दो होना चाहिए। और अगर बस कहीं एक जगह आप लगाना चाहते तो एक ही इस तरह का बनाइए। तो देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है, बस अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और इसको काटना भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो रखा हुआ है और ये मुझे ट्राउज़र के डब्बे में मिला था, दो था इस तरह का, मैंने दोनों रख लिया था। तो यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है इसी तरह से, इसको छोटा छोटा करके काटेंगे तो आसानी से अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए मैंने काट लिया एक, और इसी से अब एक और निशान लगा के एक और भी काट लूँगी। तो यहाँ पे मैंने काट लिया है और ये पेंट लिया है मैंने, एक्रेलिक पेंट जो होता है वो है, और इससे मैं इसको कलर करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो नीचे का है वो करूँगी। तो यहाँ पे मैं ग्रीन इसके ऊपर, रेड के ऊपर एक बार ग्रीन लगा दूँगी, ताकि ये जो है मतलब ये हमारा हो गया बेस हो गया, जिससे कहने का मतलब ये जिन हो गया या फिर कुछ भी स्टैंड हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब कुछ भी समझ लीजिए, ये हमारा धरती है। और जो कलश है वो कलश मैं बनाऊंगी। तो इसको मैंने मिट्टी की तरह कलर करने के लिए यहाँ पे, मिट्टी जैसा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन और रेड दोनों को मिक्स करके इस तरह से, और इसको देखिए इस तरह का कुछ ब्राउन हो गया ये। अब कलश को मैं पूरा का पूरा येल्लो कलर से कर दूंगी इस तरह से, बस इसको पेंट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से कलर करने के बाद कुछ डिजाइन भी कर सकते हैं। और जो पत्ते हैं उनको मैं ग्रीन से कर रही हूँ, और जो नारियल का है सेप है जो नारियल का, उसको मैं कलर नहीं करूँगी, उसको बस मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। और ये मैंने मौली ली है, तो अब मौली से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से फेविकोल लगा के और इसको दोनों तरफ से तिरछा तिरछा लगा के हम इसको अच्छे से यहाँ पे चिपका लेंगे। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें इसी तरह से पूरे कलश पे लगा देना है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे लगा लेने के बाद फिर इसी को उल्टे साइड से भी लगा लेना है इस तरह से। और उसको लगा लेने के बाद मैंने सूखने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने ये नारियल से जो जूट निकलता है, जूट बोलते हैं इसको, ये इसको आप जब मसलेंगे इस तरह से तो इसमें से ऐसा कुछ निकलेगा बुरादा टाइप का। तो इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे साफ़ करके इसके अंदर से जो भी बड़े बड़े से रेसे टाइप के थे उनको मैंने निकाल के अलग कर लिया है। और ये जो मौली है वो भी अच्छे से अब चिपक गया है। तो हमें क्या करना है कि नारियल वाले हिस्से पे अच्छे से फेविकोल लगा के इसको पूरा फैला लेना है हाथ से। अच्छे से अप्लाई करने के बाद इस पे क्या करना है आपको, फेविकोल थोड़ा ज़्यादा ही आप लगाएं। उसके बाद जो मैंने जूट से निकाला हुआ है नारियल का बुरादा टाइप का, उसको क्या करना है, नारियल का छिलका है ये, उसको क्या करना है कि इस पर बस इस तरह से आपको दबा देना है कि जितना चाह मतलब जितना हो सके इसमें चिपक जाए।
और कुछ देर इस तरह से इसको आप अच्छे से रख दीजिए ताकि जितना इसमें चिपकना होगा वो चिपक जाएगा, जो नहीं चिपका हुआ वो अपने आप ही बाद में झड़ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा लिया। अब मैं इसको सूखने के लिए रख दूंगी क्योंकि अब भी ये झड़ जाएगा पूरा अगर इसको मैं ज़्यादा हिलाऊंगी तो ये हम रख देंगे सूखने के लिए, और ज़्यादा टाइम नहीं, बस 15-20 मिनट में ये बहुत अच्छे से सूख जाता है। तो दोनों पे देखिए मैंने लगा दिया है इस तरह से, और यहाँ पे देखिए मेरा सूख गया है। तो अब जो पत्ता है वहाँ पे मैं ग्रीन कलर का ये बुरादा जो होता है वो लगा रही हूँ इस तरह से, फेविकोल लाइनिंग करके। आप चाहें तो पूरा में भी लगा सकते हैं, पर मैं सिर्फ लाइनिंग करके और ऐसे लगा रही हूँ। और इसको लगा लेने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा गोल्डन लगा दूंगी। तो इसको आपके ऊपर है, जितना मन हो जैसे मन हो जिन जिन चीज़ों से आप सजाना चाहिए सजा सकते हैं। तो यहाँ मैं बहुत सिंपल सी चीज़ों से, मतलब जो है सो उसी में मैं बना रही हूँ। बीच में मैंने ऐसे डॉट डॉट बना लिया, और ये एक पेपर का मैंने इस तरह का फूल बनाया हुआ है, और इसको एक नारियल पर एक कलश पे मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे ये अच्छे से सूख चुका है अब, तो ये मैंने व्हाइट वाला जो मोती होता है वो लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ स्टोन भी लगा दिया है, जो भी मेरे पास था वो सब मैंने लगा दिया है। आप चाहें तो इसको और भी बहुत कुछ से इसको सजाया जा सकता है, पर इसको मैं हल्का ही बनाना चाहती हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं बनाना चाहती। और अब ये जो व्हाइट वाली मोती है इसको हमें साइड में इस तरह से मैं लगा दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये जो है इसका लाइनिंग नज़र आए। तो देखिए रेडी है, मंगल कलश बन के तैयार है। अब इसको दरवाजे पे देखिए इस तरह से मैंने इसको अभी दीवार में हल्का सा स्टिक किया है टेप से ही। तो इस तरह से आप सजा सकते हैं अपने गेट के दोनों साइड में या फिर पूजा रूम के पास, बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।